गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.4। तो हमने इस एक्सरसाइज के पहले टू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मल्टीपल्स के ऊपर। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल्स ऑफ 12 and 18 निकालना है। तो मैंने 12 के मल्टीपल सारे के सारे राइट कर लिए। 12 ones are 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, यहाँ तक। अब 18 का 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162। तो हमने कॉमन देख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है 36, राइट, 72 लिख लिया, 108। तो हमारे इससे मल्टीपल्स निकल चुके हैं। हम इसके क्वेश्चन दोबारा से सेकंड जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास दोबारा से हम मल्टीपल्स राइट करेंगे। बी पार्ट है इसका, हम राइट करेंगे अब 6 and 8। तो 6 के निकालें और 8 के, 6 का पूरा टेबल राइट कर देंगे। 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 48 क्या 54, 60। वैसे ही 8 का 8 1 64 and 72 1 8। हमने राइट कर लिए। हमारे पास फर्स्ट जो मल्टीपल आता है 24 आएगा कॉमन, 24 के बाद 48 आ गया, 48 राइट कर लिए। तो 48 के बाद अब कुछ नहीं आ रहा, तो हमें टेबल उठाना पड़ेगा। 11 का 66 होता है, 66 आगे का टेबल जाएगा तो 72 हो जाएगा। तो हमारे पास अब 72 भी आ गया, हमारे मल्टीपल्स कॉमन निकल चुके हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम दोबारा से मल्टीपल्स की निकालेंगे और लिखा राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। तो 3 and 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 4, तो कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स। तो 3 के मल्टीपल्स राइट करने पड़ेंगे और 4 के, और वो मल्टीपल्स होने चाहिए 100 से कम। तो 100 से कम हमें पूरे राइट करने पड़ेंगे 3 के मल्टीपल्स। तो हम राइट कर रहे हैं। हमने सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स राइट कर लिए। तो सारे के सारे हमने 3 का टेबल लिखा है, 3 ऐड ऐड करके लिखा है। 3 + 3 = 6 होता है, 3 + 6 = 9, 9 + 3 = 12, ये 99 तक हमने राइट कर लिया। अब हमें नेक्स्ट जो राइट करना है वो राइट करने हैं हमें 4 के मल्टीपल्स। तो जैसे हम 4 के मल्टीपल्स राइट करेंगे अब मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4। तो हमें मल्टीपल्स राइट कर रहे हैं 4 के। हमने 4 के मल्टीपल्स राइट कर लिए, सारे के सारे 4 के मल्टीपल्स राइट कर चुके हैं हम। अब हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल 12, 12 यहाँ आ रहा है, तो कॉमन ये लिख दिया टॉप पे कॉमन
मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल पहला रहा 12, 12 के बाद आता है हमारे पास 24, 12 के बाद क्या आता है 24, 24 के बाद आएगा 36, तो 36 आ रहा है, 36 से बाद आएगा 48, तो 48 आ गए, 48 के जो नेक्स्ट आएगा वो आ रहा है 60, तो 60 ले लेते हैं, 60 के बाद आ रहा है हमारे पास 72 के बाद आ रहा है 76 नहीं है, 80 भी नहीं है, 84 के लास्ट है 96, तो हमारे मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन यही पे खत्म हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम, हमें को प्राइम नंबर निकालने हैं, तो फर्स्ट है 89, 35, तो फैक्टर्स लिखेंगे 18 के और 35 के, फैक्टर्स ऑफ 18 एंड फैक्टर्स ऑफ 35, 18 के फैक्टर हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 1, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद सिर्फ 18 आएगा, इसका 1 के बाद 5 आता है 7 और 35, हमने फैक्टर्स राइट कर लिए 18 और 35, तो जो कॉमन फैक्टर क्या रहता है, कॉमन फैक्टर तो कॉमन 1 रहता है, तो कॉमन क्या रहा 1 रहा, तो ये को प्राइम नंबर है, इसमें 1 कॉमन आएगा या सिंगल नंबर कॉमन आएगा वो को प्राइम रहेगा। हम अब नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसी का भी पार्ट बी पार्ट में दोबारा से, बी पार्ट है हमारे पास 15 एंड 37, तो 15 में आ गया 1, 3, 5, 15 और 37 में सिर्फ 1 और 37 रहता है, दोबारा से कॉमन जो रहा तो फैक्टर 1 रहा, तो हमारे जो दो क्वेश्चन थे इसके वो ओवर हो गए, जो बाकी के पार्ट्स हैं उसमें से मैं कुछ एक पार्ट ही करवाऊंगा, तो हम पहले पार्ट्स लिख लेते हैं, इधर बाहर लिख सकते हैं सी डी ई एन, तो सी पार्ट है 30 and 415, उसके बाद 17 and 68, उसके बाद है 260 and 215, 81 and 60, जो बड़े बड़े पार्ट हैं वही करेंगे अभी हम, पहले कर लेते हैं सी पार्ट, तो सी पार्ट ज्यादा बड़ा है 130 and 450, 30 लिखा 30 में क्या 1, 3, 5, 10, 15, 30, 415 में जस्ट 1 आएगा 5 आएगा 415 लिखा, कॉमन क्या रहा है 1 and 5, थर्ड क्या रहेगा हमारे पास नॉट को प्राइम, ऐसे लिख लेंगे नॉट के लिए
30 and 415 are not co-prime. ओके तो ये क्या है को प्राइम नहीं है इसमें एक ज्यादा फैक्टर बढ़ रहे हैं तो बाकी क्वेश्चन होमवर्क रहता है ये सारा इसमें होमवर्क ओके थैंक यू